नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। बटाला इलाके में क्राइम की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना बटाला के नजदीकी गांव हरपुरा का है, जहां सुबह के समय गांव की मौजूद सरपंच सुखजिंदर कौर के इकलौते बेटे जसबीर सिंह उम्र 35 साल की खेत में जाते समय गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते जेल से जमानत पर आए गांव के ही राजा नामक एक व्यक्ति ने जसबीर सिंह को गोलियां मार दी। जसबीर सिंह को 5 से 6 गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कत्ल का केस भी दर्ज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे हल्का विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर बैठे और ना ही मृतक के परिवार के सदस्य इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पिंड का आया वो अच्छ सवेरे अपने खेतों वालू जा रहा है, तो रास्ते के मुंडा राजा राजा है मुख्तार सिंह का मुंडा है, उस पिंड का ही रहने वाला, उन्होंने गोलियां ना मार दिता। ये तकरीबन 5-6 गोलियां लगिया, जिन्हों के इतने हॉस्पिटल लिया गया, तो इतने आकर मृत घोषित किया गया। हाँ, पता लगे भी वह जमानते है, बेल पर है, बेल के उत्ते है, वो असी देख रहे हैं हमने बयान, उन्होंने मदर का बयान लिखना, बयान लिख के केस रजिस्टर करके तो जल्दी तो जल्दी उन्होंने फड़िया भी जाएगा, तो नाले सारी बैकग्राउंड का भी सारा उस पता किया जाएगा।